Hey friends, welcome. Welcome back to educational channel by Ritashu. कैसे हैं आप सब friends? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन जिसका शीर्षक है धर्म और विज्ञान. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इसको हम रीड करते हैं. धर्म और विज्ञान. आज के युग में विज्ञान की उन्नति के साथ धर्म प्रभावशील होता जा रहा है. लोगों में नास्तिकता बढ़ती जा रही है. जहाँ तक मानव जाति के उत्थान की बात है उसमें धर्म तथा विज्ञान दोनों का पूर्ण सहयोग रहा है. धर्म ने मानव हृदय को परिष्कृत किया है तो विज्ञान ने बुद्धि को. धर्म ने मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति में तथा विज्ञान ने भौतिक उन्नति में सहयोग दिया है. धर्म मानव हृदय की एक उच्च पुनीत और पवित्र भावना है. इससे मनुष्य में परोपकार, समाज सेवा, सहयोग तथा सहानुभूति की भावनाएं जागृत होती हैं. धर्म ईश्वर की पूजा करता था जबकि विज्ञान ने प्रकृति की उपासना की है. विज्ञान ने लोगों में तर्क बुद्धि उत्पन्न करके उनके अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया. आज विज्ञान का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है जिससे जनता धीरे धीरे प्रलय की ओर अग्रसर है. मानव की सर्वांगीण उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य और समन्वय की स्थापना हो. धर्म का विज्ञान पर तथा विज्ञान का धर्म पर अंकुश होना आवश्यक है. अतः धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं. धर्म और विज्ञान आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं. संसार में सुख, समृद्धि व शांति की स्थापना के लिए धर्म तथा विज्ञान का एक साथ होना वांछनीय ही नहीं अपितु जरूरी भी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Bye for now friends, have a good day and take care.